नयानगर पुलिस ने भांदरपुर में रहने वाले वकील को गिरफ्तार किया जिसने अपने पेशे पर कालिक पोत दी है। अपने पास आई हुई पासपोर्ट के काम के लिए लड़की से पहले तो दोस्ती किया और फिर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो वकील ने पहले अपने इस घिनौने अपराध को छुपाने के लिए लड़की का एबॉर्शन करवाया और फिर लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लड़की ने यह मामला नयानगर पुलिस चौकी में दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने वकील को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कि इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। सर बताइए, किसी एडवोकेट के ऊपर में 376 का मामला दर्ज हुआ है, क्या है मामला हुआ? एक तारीख को 1 मई 2019 के दिन एक विक्टिम पुलिस स्टेशन में आई और उन्होंने कंप्लेंट की है कि वो पासपोर्ट के सिलसिले में कोर्ट के अंदर गए थे। वहाँ पर उनका एक एडवोकेट से मुलाकात हुई, वो मुलाकात से उनकी फ्रेंडशिप हुई, तो वो एडवोकेट ने उनको प्यार शादी करने का वादा करके उनसे बहुत से अलग अलग लॉजेस में लेके मीरा भाईंदर के वहाँ से फिजिकल रिलेशन किया। उस बीच में वो लेडी विक्टिम प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो लेडी को लेके जाके एक हॉस्पिटल में जाके उसका अबॉर्शन भी कराया हुआ है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवोकेट एक्यूज है, उनको अरेस्ट किया गया है और आज उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उनका पीसीआर लेके फिर फ्यूचर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो किस तरह के मामला दाखिल किए हैं उसके अंदर 376, 313, IPC 417, 506 ये धारा के अंतर धारा मामला दर्ज किया गया है। मामला दाखिल के लगता है मुद्दे तो माहिती देने 1 मई रोजी एक विक्टिम पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिलेली आहे। तर सदर फिर्यादीमध्ये तिने सांगितलेलं आहे की ती तिच्या पासपोर्टच्या कामासंदर्भात कोर्टात गेली असता सदर वकिलाशी तिची ओळख झाली, ओळखीचं रूपांतर त्या वकिलाचं आणि विक्टिमचं प्रेमात झालं। त्यावेळेस वकिलाने विक्टिमला मी तुझ्याशी लग्न करेल असं आमिष देऊन वेळोवेळी मीरा भाईंदर येथील लॉजमध्ये जाऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले। त्या शारीरिक संबंधादरम्यान ती पीडित आहे, ती गरोदर राहिली होती, तर आरोपीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला गर्भपात करून घेतलेला आहे। तर गुन्ह्याचा पुढील तपासासाठी त्या आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी कोर्टात हजर करून त्याचा PCR घेऊन गुन्ह्याचा अधिक तपास करीत